नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेके स्टूडेंट पॉइंट ऑफ डेट्स में। आज की वीडियो में बात करेंगे एक और बड़ी गुड न्यूज़ के बारे में। आप लोगों को बता दें कि एक बड़ा रिजल्ट जारी हो गया है। जेके स्टूडेंट पॉइंट चैनल पर आपको सबसे फास्ट अपडेट्स दी जा रही है। आपको बता दें कि हम ऑलरेडी आप लोगों को काफ़ी दिन वीडियोज़ में लगातार डेली बोल रहे थे कि जे एग्ज़ाम जे रिजल्ट आप लोगों के नेक्स्ट वीक में जारी होंगे, बट यहाँ पर जम्मू यूनिवर्सिटी ने हमारी एक्सपेक्टेशंस के तहत ही यहाँ पर रिजल्ट जारी कर दिया है। आने वाले रिजल्ट्स की बात भी करने वाले हैं, छोटी मोटी दो मिनट्स का वीडियो रहेगा, इसलिए वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें सटीक जानकारी पाने के लिए। आपको बता दें कि जम्मू यूनिवर्सिटी क्लस्टर परेड और तमाम जितने भी स्कूल कॉलेज जम्मू कश्मीर में हैं उसके रिलेटेड जानकारी जेके स्टूडेंट पॉइंट कवर कर रहा है, जिसमें आपको बता दें कि रिजल्ट गजट बीएड फर्स्ट सेमेस्टर 2019-21 की जारी हो गई है। जिस बच्चे ने अभी तक अपना रिजल्ट चेक नहीं किया है वह इंस्टाग्राम पेज रोहित 8541 शर्मा के नाम से उसे फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, हम उसका रिजल्ट चेक करके बता देंगे। COEJU.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका रिजल्ट जहां पर है। बीएड सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम किस तरह के होंगे अभी तक उसकी एग्ज़ाम की डेट अनाउंस नहीं हुई है। थर्ड सेमेस्टर रेगुलर का रिजल्ट जम्मू यूनिवर्सिटी कैंडर और एयरली वाइज बच्चों का रिजल्ट थर्ड ईयर का भी कुछ दिनों में आने वाला है। और भी अगर आप लोग कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करें। और ये शॉर्ट वीडियो है दोस्तों, इसके बाद जो लॉन्ग वीडियो रहेगा वो रात को 9 बजे रहता है हमारा, जम्मू यूनिवर्सिटी के रिलेटेड पूरे दिन का डाटा। बाकी आपको बता दें कि थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट इसके बाद अगर इवनिंग के टाइम का वीडियोज़ है, 9 बजे वाला वीडियो काफ़ी पैटर्न रहता है। और अपकमिंग एग्ज़ाम फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेमेस्टर TDPG के इन सभी के काफ़ी सारे अपडेट्स जम्मू यूनिवर्सिटी के अभी पेंडिंग है, इसलिए जेके स्टूडेंट पॉइंट चैनल को आज से सब्सक्राइब कर लें। सरकारी नौकरियों से जुड़ी जानकारी के लिए भी जेके स्टूडेंट पॉइंट चैनल ही आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। 2 मिनट्स का वीडियो करना था, हमने 2 मिनट्स का वीडियो कंप्लीट कर दिया है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।